धनिए और टमाटर की बहुत ही आसान और जुद हजम चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, तकरीबन आधा कप धनिया, और जिंजर है, जिंजर चंद टुकड़े, गार्लिक 2-3 क्लोव्स, लेमन 2 से 3 टीस्पून, और जो है मैं ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं डाल रही, हरी मिर्चें, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाए जाते हैं, तो इसके लिए आप अपने हस्बे ज़रूरत मिर्चें डाल लें। मेरे पास थी हलापीनियो और ये जो है हॉट पेपर, ये थी, तो मैंने दोनों मिक्स करके डाल दी हैं। अगेन मिर्चें आप हसबे जायका डालें, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर इसमें डलेगा, तकरीबन आधा चम्मच, और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच। और इसको हम बना लेंगे, मेरे पास है मैजिक बुलेट, इसमें ब्लेंड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत बारीक ना बनाएं, बस चॉप मोड पे रखें, और अगर आपके पास मैजिक बुलेट नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के चॉप कर लेंगे। कोशिश करें धनिया सबसे पहले डालें, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा चॉप नहीं करना होता। टमाटर, और बाकी की सब चीजें आपने डाल के लाल मिर्च, नमक और लेमन जूस को डाल के हमने चॉप कर लिया। तो ये देखें नाजरीन, 2 मिनट से भी कम में टाइम में हमारी ये बहुत ही रिफ्रेशिंग चटनी तैयार है, जो आप नान के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी।